नमस्कार, किसान ब्रिगेड पिपरा प्रखंड इकाई के तत्वाधान में प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन मधुबाना पंचायत अंतर्गत ग्राम दमवा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाल बहादुर सिंह तथा संचालन कपिल देव राम ने की। कार्यक्रम के शुरुआत जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने की कवायद पर चर्चा हुई। बैठक की पिपरा प्रखंड में युवा प्रकोष्ठ को विस्तार करने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने किसान ब्रिगेड को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, युवा कार्यकर्ताओं को टीम गठित कर बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि किसान ब्रिगेड के संरक्षक डॉक्टर कर्नल संजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों को गति देने की आवश्यकता है। तन मन धन से मिलकर पंचायत में लोगों को जोड़ने का कोशिश करें और अपने विचारों को उन तक पहुँचाने तथा 23 मार्च को हुसैनाबाद अनुमंडल मैदान में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर किसान महापंचायत को सफल बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर बिंदेश्वर पाठक, रामलायक सिंह, लक्ष्मण प्रसाद चंद्रवंशी, चंदन कुमार, सुनील कुमार, विष्णुदेव प्रसाद गुप्ता, प्रयाग राम, मानुक उराव, अनिल मेहता, राम प्रसाद राम, बैजू यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नेपोलियन अपने एक बार अपने सैनिकों को बोल रहा था कि किससे तुमको डरना चाहिए, कौन सी सेना से। नेपोलियन ने कहा, आई एम नॉट अफ्रेड of an army of lion which is led by a sheep, but I am afraid of an army of sheep led by a lion. मतलब ये हुआ हिंदी में कि मैं उस सेना से कदापि नहीं घबराता हूं जिसके सैनिक तो सभी शेर हैं, लेकिन उसका कमांडर जो है सेनापति है एक बकरी है। लेकिन मैं उससे जरूर डरता हूं जिसके सारे सैनिक जो है सो बकरे हैं, भेड़े हैं, लेकिन उसका कमांडर जो है शेर है। मैं उसे बहुत डरता हूं क्योंकि युद्ध की रणनीति वो अच्छा बना सकता है। हम लोग सब बहुत बढ़िया आदमी है, क्या क्या बुराई है हुसैनाबाद में? कोई बुराई नहीं है। पहाड़ काट दिया गया, जलस्तर भाग गया, सारा यहाँ का गांव में कैंसर जूझ रहे हैं, फ्लोराइड का मात्रा इतना ज्यादा हो गया, 5-7 गांव में आप जानते हो पानी पीने लायक नहीं है। मेरे हल्ला गुल्ला करने पर आते हैं वहां से सिविल सर्जन और टीम लेके आते हैं, काला रंग लाल रंग से काट के चल जाते हैं, लेकिन दमवा का आदमी कहां पानी पिए कोई नहीं बताता है। इसकी लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं जब सेना से छोड़ के आया था तो मैं अपने मातृभूमि यानी मैं जहां का पैदाइश हूं मोहम्मदगंज सोनबरसा में कभी नहीं गया था कहने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। अनिल भाई के घर गया, ढांचा में गया, पोकरो में गया, हरिहरगंज गया, दमवा गया, पिपरा गया। मैं कहा कि मैं चुनाव लड़ने आया हूं, समाज में काम करने आया हूं, मैंने ये कहा वहां पर। मैं कभी अपने घर में नहीं जाके बोला, बाकी कुछ और हो रहा था वहां पे। आखिर एक अच्छा व्यक्ति आपके पास में क्यों आएगा आप बताओ हमें, क्यों आएगा आपके पास काम करने के लिए? क्यों 12 बजे रात में आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई दरोगा से लड़ेगा, एसडीओ से लड़ेगा और कोई एसपी से लड़ेगा, सरकार से लड़ेगा, क्यों लड़ेगा आप बताओ हमें? उसको साथ चाहिए आपका। दोस्तों, चुनाव जिता करके आप मुझे कोई प्रेसिडेंट नहीं बना दोगे। इस भारतीय सेना ने मुझे कर्नल बनाया है, जिसका कि जितना मेरा पेंशन है उतना पेंशन एक मंत्री का भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि आपकी लड़ाई लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? हाईवा से बालू जा रहा है, सलाम करके बालू को जो है सो बिहार तक भेजा जाता है। एक गरीब ट्रैक्टर से अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बालू लेके जा रहा है, उसको पकड़ा जाता है। दिन दहाड़े बड़े बड़े ठेकेदार को प्रणाम करके ऐसे करके भेजा जाता है। वहीं पर दूसरा एक बेचारा मोटरसाइकिल वाला आदमी आता है, उसके पास में हेलमेट तो पहनना चाहिए लेकिन अगर कोई कागज नहीं है हेलमेट है उसके सर पे, उसके बाद भी उससे जो है वो डर कर घूस लिया जाता है। कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? हमारा कोई गलती नहीं, हम घर में बैठे हुए हमको पता भी नहीं है। हमारी ऑनलाइन भूमि सरकार के नाम पे कर दी जाती है, झारखंड गवर्नमेंट के नाम पे कर दी जाती है, दूसरे भाई भतीजा के नाम पे कर दी जाती है। हम लोग लड़ने के तैयार है, कौन लड़ेगा ये लड़ाई? हमारे विधायक साहब जाकर विधानसभा में प्रश्न करते हैं, सरकार से उठाकर फेंक देती है। हेमंत सोरेन की सरकार
बोलती है तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम कभी भाजपा को वोट देता है, कभी जेएमएम को वोट देता है। भाजपा का इतना हल्ला है, गुल्ला है, जीत जाएंगे। राजद का बड़ा अच्छा कैडर वोट है, बसपा का वोट है। कैडर वोट किसके पास है? तीन पार्टी के पास है, बसपा है, राजद है, भारतीय जनता पार्टी है। कहां तीनों पार्टी में से कोई जीता? एनसीपी में आज कमलेश भी ना लड़े, दूसरा कोई लड़े, तुम 3000 वोट आ जाएगा क्या? इसका मतलब आप जैसे कार्यकर्ता जिसके साथ खड़े हो जाएंगे वो व्यक्ति जीत सकता है। वोट वहां पर देने के लिए जबरदस्ती थोड़े ना कोई पकड़ करके हाथ पकड़ा देगा। आप जहां चाहिए वहां वोट मांगिए। इसलिए मेरा ये बोलना है कि कम से कम युवा को जब 5 जोड़िएगा तो उसमें से 2 या 3 युवा जरूर ऐसे जुड़े। आप नाम बताइए, मोबाइल नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा उनसे। आप नहीं सक पा रहे हो, उसमें से 5 में से कम 3 या 4 युवा ऐसा जरूर होना चाहिए जो पहली बार वोट देने जा रहा है। हो सकता आपका बेटा होगा उसमें, हो सकता आपका छोटा भाई होगा, उनको बुलाइए।